और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब हम सभी को पता है कि M4 कितना ज़्यादा वर्सटाइल वेपन है, तो आज मैं 2 M4 यूज़ करने वाला हूँ चिकन डिनर हासिल करने के लिए। लेकिन शुरुआत में M4 मिली नहीं तो AK से काम चलाना पड़ गया। अब यहाँ पर एक बंदा छुपा बैठा था जिसको फिनिश कर दिया, लेकिन उसका टीममेट भी आसपास था क्योंकि मुझे उसकी पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट वो कहीं छुप के बैठ गया था। अब सुनने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी कंटेनर के अंदर है, तो जो भी कंटेनर्स खुले हुए थे मैं उन सभी को चेक करने लगा। अब यहाँ पर 3 कंटेनर्स हैं जो खुले हुए हैं। पहला मैंने चेक कर लिया, मुझे इसमें वो बंदा नहीं मिला। फिर आगे से फुटस्टेप आने लगे तो यहाँ पर मुझे शक हुआ कि वो आगे वाले कंटेनर में है। लेकिन क्योंकि वो फुटस्टेप ऊपर से आ रहे थे तो मैं समझ गया कि वो इस कंटेनर में छुपा बैठा है, और उसको भी बहुत ही आराम से फिनिश कर दिया। लेकिन अभी भी उसके टीममेट्स बाकी थे। अब जॉर्ज पोल में थोड़ी सी शांति हो गई तो मैं कुछ बेसिक लूटिंग करने लगा क्योंकि मुझे एमिनेशन की ज़रूरत थी। एक M4 तो मुझे मिल गई थी, लेकिन अभी भी मेरे पास एक AK थी और मुझे एक M4 चाहिए थी। तभी मुझे एक बंदा दिख गया सामने। अब उसको तो मैंने M4 से नॉक कर दिया था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि इसके टीममेट वहाँ पर मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा फ्लैंक करते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे इधर ही से जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा छुपते छुपाते उनके करीब पहुँच गया। फिर मुझे एक बंदा दिखाई दिया और मैंने उसको भी नॉक कर दिया, तो उनके 2 बंदे नॉक थे। अब मैंने सबसे पहले याला कंटेनर चेक कर लिया कि इसके अंदर कोई हो ना। वैसे मुझे पता था कि वो लोग इस कंटेनर के पीछे हैं। अब यार मैं जाना नहीं चाहता था, तो यहाँ पर एक बॉट आ गया तो मैंने उसको आगे जाने दिया। अब यार यहाँ पर इनका आखिरी बंदा पूरी तरीके से गच्चा खा गया, उसने बॉट को मारा और मैंने उसको मार दिया। फिलहाल यहाँ पर अभी एक बंदा और था। इस बंदे को मारने में कोई खास मेहनत नहीं लगी, लेकिन ये भी नॉक हुआ था। तो कुल मिला के लोग यहाँ चित्रा चित्रा के आए थे, कोई पूरी स्क्वाड यहाँ पर उतरी नहीं। तो मैंने बाइक उठाई और सीधा जोन के अंदर घुस गया। अब भाई एक टाइम पे मेरा फेवरेट कंपाउंड हुआ करता था, और जैसे मैं यहाँ पहुंचा मैंने बालकनी में एक बंदे को स्पॉट कर लिया। अब सबसे पहले तो मैंने नीचे थोड़ा बहुत चेक कर लिया ताकि कोई बंदा कहीं और से ना निकल आए। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उस बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, तो मैंने अंदर एक ग्रेनेड डाला ताकि वो मूव करे और मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाए, और उसने वैसा ही किया। मुझे पता चल गया कि वो बंदा इस कॉर्नर में बैठा है। यहाँ पर मैंने उस बंदे को देख लिया था, लेकिन फिर भी दूसरा कॉर्नर चेक कर लिया कि कहीं उसका टीममेट वहाँ ना बैठा हो, और फिर मैं उसके डिस्ट्रैक्ट होने का वेट करने लगा। और उस बंदे ने जैसे ही अपना एम हटाया मैंने उसकी खोपड़ी खोल दी। अब यहाँ पर उसको मैंने फिनिश कर दिया, और उसके बाद यहाँ से मैंने गाड़ी उठाई और सीधा अपार्टमेंट तरफ निकल गया। अब मैं यहाँ अंदर आ गया था और मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ऊपर कोई एक बंदा है। अब मैं यहाँ उसके ऊपर बिल्कुल पुश नहीं करना चाह रहा था बिकॉज मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा था, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं नीचे रह कर लोगों को मारूं और वो ऊपर से लोगों को क्लियर करता रहे। आपने कल के मेरे गेम प्ले में भी देखा होगा कि मैं एनिमी के साथ मिलकर कुछ ज़्यादा ही खेलने लगा हूँ। अब यहाँ पर इस बंदे को मैं मार नहीं पाया, लेकिन दूर एक बंदे को स्पॉट कर लिया। अब इस बंदे को मैंने मार दिया, लेकिन उसके टीममेट को मैंने पत्थर के पास देख लिया था। अब उसकी बारी थी। यहां पर मैं उसको फिनिश नहीं कर पाया। अब यार आप ये देख सकते हो कि पहले जो मेरे ऊपर बंदा है वो तड़े बैठा था, लेकिन अब वो भी समझ गया कि मैं ऊपर पुश नहीं करूंगा, तो वो भी फ्रीली पूरे में घूम घूम के लोगों को मारने की कोशिश करने लगा। यहां पर उन लोगों ने स्मोक डाल दिया था, तो मेरी जो किल मिलनी थी मुझे वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी थी। अब वो बंदा रिवाइव हो गया था। अब मुझे फुटस्टेप आए थे, कोई बंदा अंदर आया है, और मैंने उसको मार दिया बहुत ही आसानी से।
यहाँ पर इस बंदे ने बाहर निकलने की कोशिश करी क्योंकि उनको जोन पुश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। लेकिन जोन की वजह से उन दोनों को वहाँ से भागना ही पड़ गया। अब दोनों को तो नहीं, पर मैंने एक को अपनी चपेट में जरूर ले लिया। अब उसका टीममेट इधर भाग के आया था, जिसको मैंने स्पॉट कर लिया और फिनिश कर दिया। लेकिन ये बंदा नॉक हुआ था, मतलब अभी भी उसके टीममेट बाकी थे। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं वो बंदे उसमें छुपे बैठे हैं। अब मैंने यहाँ सोचा कि ऊपर वाले के ऊपर थोड़ा सा पुश करते हैं, लेकिन वो बंदा समझ गया और कूद के अपनी टीममेट के पास भाग गया। अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को सामने स्पॉट कर लिया था और उसको नॉक करके फिनिश कर दिया, और तभी उसका एक और टीममेट मुझको दिख गया। वो बंदा डायरेक्ट मर चुका था। अब सिर्फ एक बंदा बचा था जो ऊपर से कूद के नीचे आया था, अब उसकी बारी थी। अब यहाँ पर मैं सोचा था कि वो सीढ़ी से आएगा, बट वो आया नहीं, और जैसे ही मुझे बैंडेजेस की आवाज़ सुनाई दी मैंने पुश कर दिया। पहले मुझे एंगल नहीं मिल रहा था, फिर मैंने जंप करा और उसको आराम से मार के चिकन डिनर हासिल कर लिया। अब आगे एक मॉन्टाज है, उसका भी मजा ले लो। We'll be right back.